ज्यादा सुखदाई रे। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे, कोटि विघ्न चल जाई रे। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे सुखदाई रे। अष्ट सिद्धि नव निधि लक्ष्मी मन इच्छा फलदाई रे।
सुखदाई साईं तेरी याद महा सुखदाई एक तू ही रखवाला जग में एक तू ही रखवाला जग में तू ही सदा सहाई तू ही सदा सहाई साईं तेरी याद महा सुखदाई साईं तेरी याद महा सुखदाई तुझको भूला जग दुखियारा सुमिरन बिन मन कुर्सी दे दो कुर्सी है दो कुर्सी है नो सब भी मेरी वो ये कदियो कई बार जल को बुझ गई क्या पुजारी तेरा खेल मैं हूँ तुम्हेरा खिलाड़ी तेरा खेल मैं हूँ तुम्हेरा खिलाड़ी मेरी जिंदगी की हर बात तू शुरू करते हैं एक मिनट बाद तीन लोग ऑर्डर बस एक मिनट कर लीजिए आज छोड़ कोई खास नहीं जिसके बारे में कुछ गलत फहमियाँ ज़्यादा हों तो देखिए आज के समाज में क्या होता है क्या समाज का हर व्यक्ति समाज के हर व्यक्ति के मन पर एक छाप है और छाप क्या है छाप ये है कि ये अच्छा है ये खराब है ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए था और ऐसा नहीं हुआ इस तरह की छाप लोगों के मन पर बैठी है जैसे अगर किसी को चोट लग गई तो निश्चय ही कुछ खराब हुआ ऐसा कभी कोई देखने में नहीं मिल सकता कि कोई ये कह दे कि चोट लगी तो अच्छा हुआ वो दुश्मन कहे वो दूसरी बात है किसी की तकलीफ कोई किसी को तकलीफ देना चाहता है और वो किसी की तकलीफ को सुन के कह दे कि अच्छा हुआ वो दूसरी बात है लेकिन समाज में ऐसी कोई छाप नहीं है समाज में किसी भी व्यक्ति के मन पर ये छाप नहीं है कि चोट लगना कभी अच्छा भी हो सकता है बीमार पड़ना कभी अच्छा भी हो सकता है ऐसी छाप मन पर नहीं रहती किसी से इसी तरह से बहुत सी घटनाएं होती हैं एक्सीडेंट हो जाना अपनी इच्छाओं के खिलाफ बात हो जाना ये बहुत से समाज हैं वहाँ क्या होने लगा डाउरी की वजह से
कि लड़की पैदा हुई तो गड़बड़ हो गया। अब ऐसा कुछ समाज में बातें बढ़ गई। तो यहां पर जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जहां जीवन है वहां एक जीवात्मा है, जीवात्मा एक कैसे बहुत पहले हमने बताया था बनाया था, आत्मा परमात्मा जीवात्मा तीनों में जो फर्क बताया उसको समझाते हुए हमने बताया था कि जहां जीवात्मा है वहां एक मन है। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मन का अर्थ नहीं समझता, क्योंकि मन सबके पास है। मन में कुछ आत्मशक्ति पिरोई रहती है, आत्मशक्ति, आत्मा की ताकत या परमात्मा की ताकत, आप जो भी कहें। लेकिन हमारे ऊपर कर्म के बंधन भी रहते हैं, मन पर कर्म के बंधन भी रहते हैं, और इन कर्म के बंधनों को समझाने के लिए ही अभी हम कुछ छाप की बात कर रहे थे। किसी के मन पर ये कर्म बंधन है कि बीमारी कभी अच्छी नहीं होती, चोट लगना कभी अच्छा नहीं होता, ये कर्म बंधन है जो हमारे मन पर पड़े हैं। बहुत से लोगों के मन पर ये कर्म बंधन है कि हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों की आज़ादी बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये समाज में ऐसे कर्म बंधन पड़ जाते हैं लोगों, तो कुछ कर्मों के बंधन पड़े हुए हैं। और ये कर्म बंधन और आत्मशक्ति ये दोनों चीजें ऐसी हैं जैसे उजाला और अंधेरा। आप ये कहें कि अंधेरा और उजाला दोनों बढ़ सकता है, ये नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि मन पर जो जो आत्मशक्ति बढ़ेगी त्यों त्यों कर्म बंधन भी बढ़ेंगे तो ये संभव नहीं। अगर आत्मशक्ति बढ़ेगी तो कर्म बंधन जरूर कम हो जाएंगे, घटने लगेंगे। हमें ये काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है, वहाँ नहीं जाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। अब ये कर्म बंधन ही तो है, ये वो चीज़ है जो आपको किसी खास कर्मों से बांधता है, आपसे कहता है आप उठिए वहाँ जाइए ये करिए। ये कर्म बंधन बढ़ते हैं जब आत्मशक्ति कम होती है। आत्मशक्ति अगर कम होगी तो कर्म बंधन जरूर बढ़ेंगे, और इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म बंधन और आत्मशक्ति ऐसे ही हैं जैसे उजाला और अंधेरा, और दोनों एक साथ नहीं बढ़ते। और जब आत्मशक्ति बढ़ती है तो कर्म बंधन कम हो जाता है। कल मैं इलाहाबाद में था, आज सुबह आया करोलबाग से यहाँ तक रमेश जी के साथ आए, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि यहाँ पर 8-9 सीटिंग होनी है ज्ञान यज्ञ की, तो 8-9 प्लेन कैसेट हमें लाने थे इलाहाबाद, लेकिन मैं तो भूल गया, मैं लाया नहीं। अभी दुकान नहीं खुली है, रास्ते में खरीद नहीं सकते, तो इनके मुँह से यही निकला कि अब धीरे धीरे आपका काम चलना मुश्किल है, एक असिस्टेंट होना चाहिए जो याद दिलाए। हमने कहा भाई वो सब तो हमारे साथ संभव नहीं, लेकिन अब देखिए बात असली बात पे आ जाए। असली बात तो सिर्फ ये है कि हम भूल क्यों गए। समाज में तो भूलना,
खराब बहुत खराब माना जाता है और अकल की कमजोरी मानी जाती है। लेकिन एक बात जो मन में उठती है वो ये कि किसी चीज का याद रखना क्या कर्म बंधन नहीं है, तो कर्म बंधन तो है, और अगर कर्म बंधन कम होगा तो आदमी भूल तो जाएगा। कर्म के बंधन जो जो घटेंगे कम होंगे वो भूलेगा जो। अब भूलना देखिए दो तरीका होता है, कर्म बंधन बढ़ने के रास्ते पर भी आदमी भूलता है। ये गलत है कि कर्म बंधन बढ़ने के रास्ते पे नहीं भूलता। वहां क्यों भूल रहा है? ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इस करने के चक्कर में ये करना भूल गए। ये तो एक बात है। और दूसरा ये कि करना धरना कुछ नहीं फिर भी भूल गए। ये तो दो अलग अलग बात हुई ना भाई। तो भूलना दोनों रास्ते पर है, कर्म बंधन बढ़ने के रास्ते पर भी भूलना है और कर्म बंधन कम होने के रास्ते पर भी भूलना है। लेकिन समाज में तो सबके मन में एक छाप बैठी है ना कि भूलना खराब। तो मैं क्या कहता हूं कि कर्म बंधन कम होने के रास्ते पे भूलना तो अच्छी बात है और कर्म बंधन बढ़ने के रास्ते पे भूलना खराब बात है। कर्म बंधन अगर बढ़ते जा रहे हैं और फिर भी आप भूलते हैं तो ये बड़ी खराब बात है। लेकिन अगर कर्म बंधन कम हो रहे हैं इसलिए आप भूलते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें भूलने से गड़बड़ी हो जाएगी काम कामों में से कार्य। हाँ जी हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब कर्म बंधन कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो आप भूलते क्यों हैं? अभी हमने बताया कि कर्म बंधन जब बढ़ते हैं तो आत्मशक्ति कम होने लगती है। जब आत्मशक्ति कम होने लगेगी तो आत्मसुख कम हो जाएगा। अरे भाई नमक अगर कम हो गया तो नमक का स्वाद भी तो नहीं मिलेगा। चीनी कम होती चली गई तो सामान फीका तो रहेगा ना, मीठा कैसे बनेगा? इसी तरीके से अगर आत्मशक्ति कम होती चली गई तो आत्मसुख भी तो गायब हो जाएगा। तो आत्म सुख की कमी में कर्म बंधन बढ़ जाएंगे और अगर आत्म सुख की कमी में कर्म बंधन बढ़े और उसके बढ़ने की वजह से आप भूल रहे हैं तो वो जो आत्म शक्ति का फायदा था वो भी गया और भूलने का भी नुकसान, तो नुकसान तो डबल हुआ ना आपका। दोनों तरफ से नुकसान। लेकिन जब कर्म बंधन कम हो रहे हैं तो आत्मशक्ति तो बढ़ेगी ना। जब आत्मशक्ति बढ़ेगी तो आत्मसुख बढ़ेगा। जैसे हम कहते हैं अगर चीनी ज्यादा डाल देंगे तो मीठा ज्यादा हो जाएगा। मन के पास एक गुण है, मन का गुण यह है कि मन हमेशा सुख में डूब जाता है। मन सुख में डूब जाता है। बच्चा अगर खेल में खोएगा, अगर खेल में ज्यादा मन लगेगा तो पढ़ाई तो भूलेगा ना। लेकिन वहां पर क्या है कि खेल के कर्म बंधन के साथ पढ़ाई भूल रहा है। लेकिन जब आत्म सुख बढ़ रहा है और मन आत्म सुख में डूबा है, आत्म सुख में डूबने की वजह से कुछ करना याद नहीं आ रहा है। कल मुझे यहां भी आना था, शाम को वाइफ कह रही थी ये चिट्ठी लिखना यहाँ, ये करना मैं दो तीन चिट्ठी लिख दिया मैंने,
अब उनके मुंह से निकला कि जब आप करने पे आ जाते हैं तब तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं थोड़ी देर में, लेकिन आसानी से आप करने पे नहीं आते। अब वो दिक्कत यही है ना, अगर आत्मसुख बढ़ता है तो आत्मसुख में जो डूबने की बात है उसका जो सुख है वो करने देता नहीं है। तब इसीलिए गीता में कृष्ण भगवान अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 22 में कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो केवल करना भूल रहा है हमारे सुख में डूबने की वजह से, कृष्ण में डूबने की वजह से। और कृष्ण क्या है, हम हमेशा कहते हैं आत्म सुख कृष्ण है, आत्म सुख राम है। तो जैसा आप बोले इधर से आए हैं, इन्होंने कहा भूलेंगे तो काम तो गड़बड़ होगा, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर काम गड़बड़ हो रहा है केवल मेरे अंदर डूबने से तब तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। तो डूबने से, डूबने माने आत्मशक्ति बढ़ना, मन में आत्मशक्ति और पिरोना और पिरोना और पिरोना, ठीक है ना, पानी में आप चीनी और बढ़ाना और बढ़ाना और बढ़ाना तो ठीक है, वो तो मीठा बजाय सीधा हो जाता है, बहुत मीठा हो जाता है। भगवान कहता है मेरा काम कर रहा है इसलिए मैं इसे काम कर लूं, ये मेरे में लगा है तो मैं इसका किए है। अरे ये भी तो है इस तरह, ये बात किए भी है भगवान ने। हाँ, तो ये जो आत्मसुख है ये आत्मसुख मन में पिरोना, इसको मैं कहता हूं जीव आत्मा का उत्थान। इसको मैं कहता हूं जीव आत्मा का उत्थान और आत्म तत्व का मन में कम होना, कर्म बंधन का बढ़ना, इसको कहते हैं जीव आत्मा का पतन। अब देखिए जो बात हम कहना चाहते थे वहां पर हम आ गए। मैंने शुरुआत इससे की थी कि समाज में